आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। दिल्ली के लाल किला मैदान पर 2 दिसंबर से चल रहे गीता प्रेरणा महोत्सव का आज समापन हो गया। समारोह के आखिरी दिन गीता प्रेरणा महोत्सव में तमाम अखाड़ों के साधु संतों के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी शिरकत की। ये तस्वीरें दिल्ली के लाल किला मैदान में चल रहे गीता प्रेरणा महोत्सव की। गीता उपदेश के 5151 साल पूरे होने के मौके पर 2 दिसंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। महोत्सव के आखिरी दिन विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने गीता ग्रंथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की अपील की। मैं उनके पास गया भी था, मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि दो ही रास्ते हैं, या तो इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें तो एक बिल पेश करना पड़ेगा। महोत्सव में विदेश मंत्री भी पहुंची थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि गीता तनाव मुक्त जीवन जीने का सबसे बड़ा जरिया है। भारत का योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि भारत का योग एक जीव और ब्रह्म की जुड़ने का एक माध्यम है। उसी तरह से भारत का ये ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने का, सुख से जीने का, तनाव मुक्त होकर जीने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। वही योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि गीता हमें ताकत देती है, हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। गीता का ज्ञान हमें पुरुषार्थ सिखाता है, गीता का ज्ञान हमें पौरुष देता है, और गीता का ज्ञान हमें पराक्रम से भरता है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने भी गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की। जियो गीता के ऑर्गेनाइजर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं, और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले ये बताइए कि इसके जो इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है? केवल भगवान की कृपा का और गुरुदेव के आशीर्वाद का और गीता माता की स्वयं की कृपा का, क्योंकि गीता हमारे लिए केवल पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान का वांग्मय रूप है, भगवान का अवतरण रूप है। तो हमें लगता है गीता माता स्वयं इस रूप में अपनी कृपा लेकर प्रकट हुई है। एक आम भारतीय के लिए आप क्या संदेश देंगे? हम भारत निश्चित रूप से भाव रथ ज्ञान में रथ रहने वाली भूमि है, और गीता एक मूल प्रेरणा है भारत की, जो पूरे विश्व के लिए है। भारत की प्रेरणा है लेकिन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है गीता। तो इसलिए सीधा सा भाव है कि जियो गीता के संग और सीखो जीने का ढंग। जीवन को अच्छे ढंग से जिए, जीवन के मूल्यों को पहचाने, जीवन के आदर्शों को पहचाने, और जीवन में अपने कर्तव्य को पहचाने, और जीवन को सन्मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए ऐसा जीवन बनाए जो अपने लिए अच्छा हो, परिवार के लिए सद्भावनामय हो, समाज के लिए आदर्श हो, राष्ट्र के लिए एक अच्छी प्रेरणा बने, और पूरे विश्व के लिए सद्भावना का एक माध्यम बने। धन्यवाद। ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने कहा कि अगर जीवन में सफलता को अपने पास बुलाना है तो गीता के साथ जीना चाहिए। कैमरामैन मोहित के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ सुनो इंडिया में एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौट